स्वागत है आपका अपने चैनल आरोग्य इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन आपको दिख रहा है उसको प्रेस जरूर करें। दोस्तों, तुलसी के अनगिनत गुणों के बारे में तो आप जानते ही हैं। तुलसी हमारी त्वचा से लेकर हमारे स्वास्थ्य तक के लिए बहुत लाभकारी है, इसीलिए आज के इस पैकेज में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप घर पर ही तुलसी की चाय का मसाला तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको सामग्री चाहिए 500 ग्राम तुलसी के पत्ते जिन्हें छाया में सुखा कर रखा गया हो, 250 ग्राम सौंफ, 150 ग्राम छोटी इलायची के दाने, 250 ग्राम लाल चंदन और 25 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम दालचीनी, 100 ग्राम तेजपान, 25 ग्राम बनफशा और 100 ग्राम ब्राह्मी बूटी। चलिए अब तुलसी की चाय का मसाला बनाने की आसान सी विधि जानते हैं। सब पदार्थों को एक एक करके इमाम दस्ते में डालें और मोटा मोटा कूट कर सबको मिलाकर किसी बर्नी में भर कर रख लें। बस आपका मसाला तैयार है। 2 कप चाय के लिए ये तुलसी चाय का मिश्रण या चूर्ण आधी छोटी चम्मच भर लेना काफी होता है। चलिए अब जानते हैं कि तुलसी की मसाले वाली चाय बनाते कैसे हैं। सबसे पहले 2 कप पानी एक पतीले में डालकर गरम कर लें और फिर जब पानी उबलने लगे तब पतीले को आंच से नीचे उतार लें और छोटा आधा चम्मच तुलसी के मसाले का मिश्रण डालकर फौरन ढक्कन से ढक दें। फिर पुनः थोड़ी देर तक इसे उबलने दें। अब चाय को कप में छान लें। बस लीजिए, आपके लिए तैयार है स्वास्थ्य की रक्षा करने वाली तुलसी की चाय। अगर आप इस तुलसी की चाय में थोड़ा सा मीठा डालना चाहते हैं, तो पानी उबालते समय उसमें अपने स्वाद अनुसार शक्कर डाल लें और गर्म होने के लिए रख दें। और दोस्तों, ध्यान रखें कि तुलसी की चाय में दूध का उपयोग नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप भी स्वस्थ रहने के लिए तुलसी की चाय पीना चाहते हैं, तो हमारी बताई हुई इस रेसिपी को जरूर ध्यान में रखें। हेल्दी, हिट और फिट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरोग्य इंडिया, स्वस्थ भारत की स्वस्थ परंपरा को। धन्यवाद।